गुड मॉर्निंग बच्चों। और डियर स्टूडेंट्स एंड माय कोलिग्स, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था नई आर्थिक नीति, और चैप्टर था सरकारी नीति में परिवर्तन। ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भारतीय आर्थिक नीति, इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इसके मैंने आपको बताया इफेक्ट्स कि क्या इसके प्रभाव पड़े भारतीय व्यवसाय में, और इसके तीन प्रकार के मुख्य फीचर्स, जो जिसको बोलिए मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये तीन प्रकार की जो पॉलिसी मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया था, जिसमें पहला था उदारीकरण का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जिसको बोलिएगा। दूसरा था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों, आज उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को इन तीनों बातों को थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो 1991 के नई आर्थिक नीति की मुख्य तीन विशेषताएं थी, और उन तीन मुख्य विशेषताओं में बहुत सारे अच्छे परिणाम उसके देखने में आए भारतीय अर्थव्यवस्था में और व्यवसायिक जगत में। बच्चों, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण उसे कहते हैं जो उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, अनावश्यक प्रबंधों को, अनावश्यक प्रतिबंधों को, जो बेकार तरह के जो प्रतिबंध हैं बहुत सारे, उन प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए और ऐसा आर्थिक पर्यावरण स्थापित किया जाए जिससे देश के व्यवसाय और उद्योग स्वतंत्र रूप में विकसित हो सकें और उन्हें कार्य करने में आसानी हो सके, उन्हें कार्य करने में मन लगे, उन्हें उनको कार्य करने में जो वो जो व्यवसाय करना चाहते हैं, वो जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके उन्हें उन्हें लाभ मिले।
उन्हें किसी प्रकार के व्यावसायिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति, यही उदारीकरण कहा जाता है या यही उदारीकरण कहलाता है। यही है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का अर्थ यही है, अर्थात लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। उदारीकरण के जो उपाय सुझाए गए उनमें मुख्य है वस्तुओं एवं सेवाओं का आगमन पर लगी प्रतिबंधों को हटाना, लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाना, नवीन उद्योगों की स्थापना की स्वतंत्रता देना, आयात नीति को सरल बनाना और स्कंद विपणन क्रियाओं को नियमित करना। ठीक इसी प्रकार हम आते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी। निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है और उनका प्रबंध भी स्वयं करता है। प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। यानी निजीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अकुशल होने के कारण ही महसूस हुई या पैदा हुई। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम घाटा उठा रहे थे या घाटे में थे और वर्षों से ऐसे उपक्रम घाटा में हानि में ही चल रहे थे। लाभ देखने का इनको एक बार भी मौका नहीं मिल रहा था और सरकार के लिए यह एक बोझ था। इस कारण निजीकरण की जरूरत महसूस हुई और निजीकरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि हुई, प्रतियोगिता बढ़ी और उत्पादन गुणवत्ता तथा विविधता भी बढ़ी, जिसका विशेष रूप से उपभोक्ताओं को डायरेक्ट रूप में लाभ मिला। तो बच्चों, आपको ये जानकर बहुत सारी बातों को महसूस करनी होगी कि आज का जो अर्थव्यवस्था है, आज आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार विशेष करके
बहुत सारे अपने उपक्रम को, बहुत सारे अपने संस्थानों को निजी लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं या बाहरी लोगों का निवेश कराना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं उनको लाभ में परिवर्तित कैसे किया जाए, यही आवश्यकता है आज के समय में। निजीकरण का जो व्यवसाय या उद्योग है उस पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, जो मैंने बताया था कि 1991 में नई आर्थिक नीति आई भारत में, निजीकरण की नीति का अनुपालन किए जाने से इसके व्यवसाय तथा उद्योगों पर अनेकों प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित है। विनिवेश की नीति डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग घाटे में चल रहे थे उनमें सरकार विनिवेश की नीति का अनुकरण कर रही है। सरकार इन उद्योगों में अपनी हिस्सेदारी को ज्यादा से ज्यादा कम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2004 तक सरकार 43.176 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कंपनियों के शेयर निजी क्षेत्रों को बेच चुकी या बेच दी। इनमें मारुति उद्योग लिमिटेड, गेल, आईबीपी, डीसीआईएल, ओएनजीसी आदि प्रमुख सरकारी कंपनियां हैं जिनमें विनिवेश की प्रक्रिया लागू की गई। निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, अर्थात एक समय ऐसा था तत्कालिक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं विकास को प्राथमिकता देती थी, किंतु 1991 की नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, संकुचन अर्थात सिकुड़ने लगी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई, अर्थात निम्नलिखित 4 सार्वजनिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा, सैनिक साज सामान, रेल परिवहन और परमाणु धातुओं का खनन को छोड़कर शेष औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। अब आइए निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहन, इंसेंटिव टू डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सन 1991 की नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए हर संभव प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। पांचवा है ऋणों की अंशों में परिवर्तनीयता आवश्यक नहीं, कन्वर्शन ऑफ लोन्स
इनटू शेयर नॉट नेसेसरी। 1991 की नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत अब ऋणों की अंशों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपको बताया है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत उसके प्रभाव क्या पड़े, उससे क्या लाभ हुआ, ये चीज आप लोगों के सामने में आई है। इसको कृपया करके आप लोग फेयर कॉपी जो आप लोगों को मैंने बताया है कि बनाने के लिए, उस फेयर कॉपी में आप लोग इसको नोट डाउन करें और इसको एक बार बढ़िया से देखने का कार्य करें और उसमें देखें कि मैंने क्या सही पढ़ाया है और क्या गलत पढ़ाया है। अगर गलत आप लोगों को लगे तो हमसे फिर पूछिए फोन करके, और अगर सही बताया है तो उसको अपने मस्तिष्क में डालने का काम करें, उसको याद करने का काम करें, क्योंकि अभी का समय जो है पढ़ने का समय है। तो हमें लगता है कि आज का समय हम लोग का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर क्लास में फिर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही।